हेलो फ्रेंड्स, देसी राजस्थानी फूड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल में पास्ता। तो इसके लिए हम एक कटोरी पास्ता लेंगे और दो टमाटर जिन्हें मिक्सी में पीस लिया है, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले एक बर्तन में पानी चढ़ाएंगे और इसके गर्म होने के बाद में ये पास्ते इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि हमारे ये पास्ते चिपके नहीं, और थोड़ा सा नमक। अब इसे मिक्स कर लें और उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद में इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये टमाटर जो हमने मिक्स किए थे वो डाल देंगे और इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे धीमी आंच पे थोड़ा पका लेंगे। अब हमारा मसाला पक चुका है और साथ ही हमारे ये पास्ते भी उबल चुके हैं। अब हम इसे काट के देख सकते हैं। अब इन पास्तों को छलनी की सहायता से किसी बर्तन में छान के इसका पानी निकाल लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला डालेंगे और 2 चम्मच टोमेटो सॉस की डालेंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी ग्रेवी भी पक चुकी है। ये देखिए, ये तेल छोड़ने लग गई है। अब हम इसमें ये पास्ते डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारे पास्ते बनके तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को देख के घर पे पास्ते ज़रूर बनाएं। इसमें बहुत ही कम समय लगता है। इसमें हरा धनिया डाल देंगे और आप इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।